हेलो हाय एवरीवन। तो अब समर के डेज चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ मोजिटो बनाया है, जो कि मैंने थोड़े से मौसम भी लिए हैं गार्निशिंग के लिए। मस्क मेलन ले लिया है, वाटर मेलन ले लिया है। इन सारे फ्रूट्स का मैं अभी यहाँ पे मोजिटो बनाने वाली हूँ। अनार मैंने गार्निशिंग के लिए लिया है, थोड़ा सा मैंने कटे हुए यहाँ पे मौसम भी ले लिए हैं, और ये जो वाटर मेलन यहाँ पे है वो भी मैंने गार्निशिंग के लिए यूज़ किया है। थोड़ा सा स्पिल आउट हो गया, चलो कोई नहीं। नींबू यूज़ किया है, पुदीने के पत्ते यूज़ किए हैं। समर का टाइम है तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ही हेल्दी भी है, आप यूज़ कर सकते हो। सोडा कभी कभी चल जाता है, तो हमें ये करना होगा कि अब नींबू हर एक गिलास में डाल लेना होगा। मैंने यहाँ पे सेवन अप यूज़ किया है, स्प्राइट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप सिर्फ सोडा यूज़ करना चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर सोडा यूज़ कर रहे हो तो नींबू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे, मैंने मस्क मिलन का बनाया है, वाटर मिलन का बनाया है, मौसम्बी का बनाया है। आप चाहो तो मैंगो या फिर ग्रेप्स, पाइनएप्पल किसी का भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ले लिए हैं। नींबू मैंने तीनों ग्लास में डाल दिया है और पुदीने के पत्ते मैंने तीनों ग्लास में डाल दिए हैं। दो दो या तीन तीन पत्ते आप डाल सकते हो इसमें, या फिर आप मिंट लवर हो, पुदीना लवर हो तो और थोड़े ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तीनों ग्लास में थोड़ा थोड़ा पुदीना ऐड कर दिया है। समर में ये मोजिटोस बहुत ही रिलीफ देता है, बहुत ही ठंडक पहुँचाता है। आइस क्यूब्स डाल के आप यूज़ कर सकते हो इनको। अब इनको हम डालेंगे एक एक टेबल स्पून शक्कर। आप चाहो तो और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो। मैंने यहाँ पे मौसम्बी का जूस 3 टेबल स्पून, 5 से 6 टेबल स्पून मस्क मेलन का जूस और वाटर मेलन का जूस भी 3-4 चम्मच बना के रख लिया है। अब ये मैंने शक्कर ऐड कर दिया है, तो अब इस शक्कर को अच्छे से, खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, या फिर हल्के हाथ से हम इसको कूट लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्लास है, कहीं टूट ना जाए तो हम हल्के हाथ से इसको क्रश कर लेंगे। या फिर आप ऑलरेडी क्रश किए हुए पुदीने पत्ते यूज़ कर सकते हो, क्रश किया हुआ लेमन भी यूज़ कर सकते हो, या और यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, लेमन स्क्वैश भी यूज़ कर सकते हो। अब खूब अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे हम, क्रश कर देंगे, ताकि सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में मिल जाएं। आप चाहो तो जो कूटने वाली छोटी सी लकड़ी होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये सारे मैंने अच्छे से कूट लिए हैं, ये आप देख सकते हो सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में कंबाइन हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो मैंने थोड़े से पीसेस काट के रखे थे मौसम्बी के, 4-5 पीसेस मैंने डाल दिए हैं एक ग्लास में, और एक ग्लास में हम डालेंगे मस्क मेलन, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्रूट्स का मैं आपको मोजिटो दिखा रही हूँ। ये मैंने मस्क मेलन डाल दिया है 4 से 5, और हम यूज़ करेंगे वाटर मेलन के 3 से 4 क्यूब्स, और एक ग्लास में हम डालेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे वाटर मिलन के क्यूब्स में वाटर मिलन का जूस, 4 से 5 कप आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, आप काफ़ी बड़े ग्लास में बना रहे हो तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डाल लिया है वाटर मिलन जूस। अभी सीज़न नहीं है तो ग्रेप्स का, तो इसलिए मैंने ग्रेप का नहीं दिखाया आपको। ये मस्क मेलन मैंने यूज़ किया है, मैंने यहाँ से 5 से 6 स्पून यूज़ कर लिए हैं मस्क मेलन के, क्योंकि जब हम मस्क मेलन को पीसते हैं तो वो गाढ़ा हो जाता है। तो इससे अच्छा ये होता है कि हम 4 से 5 या 5-6 स्पून इसको यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मौसम्बी जूस बना के रखा था, तो इसको हम सारा ही डाल देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 से 4 स्पून ही है। अब इन तीनों को हम, जो हमने ग्लास में डाला है, इन तीनों को खूब अच्छे से एक चम्मच के ज़रिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए है थोड़े से आइस क्यूब, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, वरना आपकी वो जो सोडा अगर ठंडा हो तो ऑलरेडी आप नहीं भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा। अगर आप आइस क्यूब ज़्यादा पसंद करते हो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स में, तो आप यूज़ कर सकते हो सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जूस में, किसी में भी आप यूज़ करते हो तो कर सकते हो आइस क्यूब्स को। मैंने आइस क्यूब्स एक एक डाल दिया है इसमें। अब हम इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में कंबाइन हो जाए। ये ऑलमोस्ट बन चुका है, तो इसलिए हम सारे फ्लेवर्स को अभी से मिक्स कर लेंगे। सारे फ्लेवर्स मैंने मिक्स कर दिए हैं।
तीनों जूसेस को मैंने अच्छे खूब अच्छे से इसको मिक्स किया है। ये मैंने वाटरमेलन का भी बना लिया है, वाटरमेलन का भी मैंने मिक्स कर दिया। तो अब हम डालेंगे इसमें सेवन अप जो कि मैंने ले लिया था ऑलरेडी। आप कोई भी सोडा यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी कहा था आपको, लेमन स्क्वैश भी यूज़ कर सकते हो, वो भी ऑप्शनल है, अच्छा फ्लेवर देता है लेमन स्क्वैश। ये देखिए कितना अच्छा ये ऊपर से फोम आने लगी है। इसको 5 मिनट्स में 10 मिनट्स के अंदर कंज्यूम कर लीजिए, वरना सारे फ्लेवर्स इसमें से ख़त्म होने लगते हैं और ये कड़वाहट आना शुरू हो जाती है इस मोजिटोज में। अब ये बन चुका है आपका टोटली मोजिटो। मैंने कुछ गार्निशिंग के लिए चीज़ें ली थी तो वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगी। थोड़े से अनार लिए थे मैंने वाटरमेलन में डालने के लिए, थोड़े से पुदीने के पत्ते से हम इसको सजा लेंगे, थोड़ा सा मौसम्बी का जो ऊपर का छिलका होता है उसको भी मैंने इसको गार्निशिंग में यूज़ किया था, फिर मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने उसको निकाल दिया था। वाटरमेलन के ऊपर मैंने हल्के हाथ से ये डाल दिया है अनारों को, अनार के दानों को। ये ऑप्शनल है, आप जैसे चाहो वैसे गार्निशिंग यूज कर सकते हो। लेमन भी आप इससे लेमन को भी सजा सकते हो। इफ्तार का वक्त था तो मैंने जल्दी से गार्निशिंग नहीं की, जैसे भी कि बस ऐसे इसको फोटोज हमने उठा लिए। अब ये काफ़ी ठीक नहीं लग रहा था जल्दी जल्दी में, तो अब मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कभी गार्निशिंग के चीज़ें दिखाऊंगी मैं आपको दूसरे वीडियोस में। अब एनीवेज कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने लेमन का इसी का स्लाइस, मौसम्बी का एक स्लाइस मैंने इसको इस्तेमाल किया है। और मस्क मेलन में हम सजाएंगे पुदीने के पत्ते से। आप चाहो तो थोड़ा इसमें रूह अफ़ज़ा भी डाल के यूज़ कर सकते हो, अगर आप रूह अफ़ज़ा लवर हो तो इसमें रूह अफ़ज़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए मैंने एक लेमन का पीस ले लिया है, मौसम्बी का पीस है, इसको मैंने गार्निश कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए हैं थोड़े से, उसको मैंने गार्निश कर दिया है मस्क मेलन को और हल्के से अनारदानों को। तो ये आपका बन चुका है मोजिटो, फ्रूट मोजिटो, वाटरमेलन, मौसम्बी, मस्क मेलन। एंजॉय कीजिए, समर का टाइम है। कुक इट, ईट इट, ट्रिप इट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।